वेलकम टू ENP वर्ल्ड। चंद्रमा हमारे लिए आकर्षण का विषय रहा है। दरअसल चंद्रमा से जुड़े अनेक तथ्य और पहलू हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम चंद्रमा से जुड़ी सबसे अनोखी घटना चंद्र ग्रहण को समझते हैं। इसे इंग्लिश में लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है, ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो अपने अक्ष ऑर्बिट पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर चंद्रमा के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब चंद्र ग्रहण पर आते हैं। चंद्र ग्रहण के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि पृथ्वी को सूर्य और चंद्रमा के सापेक्ष बीच में एक सीधी रेखा में आना होगा, जैसा इस रेखा आरेख में दिखाया गया है। इस स्थिति में पृथ्वी के लगभग गोल होने की वजह से सूर्य से निकलने वाली किरणें सूर्य के सामने पृथ्वी के आधे हिस्से पर पड़ती है। इस वजह से पृथ्वी के पिछले आधे भाग सहित अंतरिक्ष में एक डार्क शैडो अर्थात छाया का निर्माण होता है। इस छाया का सबसे डार्क क्षेत्र अम्ब्रा कहलाता है। अम्ब्रा को हिंदी में प्रच्छाया कहा जाता है तथा कम डार्कनेस वाला क्षेत्र पेनम्ब्रा कहलाता है। पेनम्ब्रा को हिंदी में उपछाया कहा जाता है। जब चंद्रमा अपने अक्ष पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए डार्कनेस क्षेत्र अम्ब्रा और पेनम्ब्रा से होकर गुजरता है, तब चंद्रमा के डार्कनेस क्षेत्र पेनम्ब्रा और अम्ब्रा में स्थित होने के आधार पर चंद्र ग्रहण को तीन प्रकार में बांटा गया है। चंद्र ग्रहण का पहला प्रकार है पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, इसे हिंदी में छाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पेनम्ब्रा अर्थात लो डार्कनेस शैडो क्षेत्र से होकर गुजरता है। पेनम्ब्रा क्षेत्र की छाया में कम डार्कनेस होती है, इस वजह से चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई तो देता है परंतु धुंधला सा। चंद्र ग्रहण की इस घटना को पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स या छाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। छाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से कुछ इस तरह धुंधला सा दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण का दूसरा प्रकार है पार्शियल लूनर एक्लिप्स, इसे हिंदी में आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपने अक्ष पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी द्वारा बनाए गए छाया क्षेत्र के पेनम्ब्रा और अम्ब्रा को क्रॉस करते हुए गुजरता है। इस स्थिति में चंद्रमा का कुछ भाग हाईली डार्कनेस क्षेत्र अम्ब्रा में स्थित होता है तथा कुछ भाग लो डार्कनेस क्षेत्र पेनम्ब्रा में स्थित होता है। पार्शियल लूनर एक्लिप्स में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा कुछ इस तरह व्यवस्थित होता है। यहाँ चंद्रमा का कुछ भाग पेनम्ब्रा क्षेत्र तथा कुछ भाग अम्ब्रा क्षेत्र को क्रॉस करता है। चंद्रमा का वह भाग जो पेनम्ब्रा क्षेत्र में स्थित होता है लो डार्कनेस की वजह से धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन इसके विपरीत चंद्रमा का वह भाग जो अम्ब्रा क्षेत्र में स्थित होता है हाईली डार्कनेस की वजह से दिखाई नहीं देता। आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से कुछ इस तरह अलग अलग साइज और शेप में दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण का तीसरा और अंतिम प्रकार है टोटल लूनर एक्लिप्स, इसे हिंदी में पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना तब होती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो, अर्थात
पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की एक ऐसी स्थिति जिसमें चंद्रमा पृथ्वी द्वारा बनाए गए शैडो क्षेत्र अंबरा से होकर गुजरे। पूर्ण चंद्र ग्रहण के लिए पृथ्वी को सूर्य और चंद्रमा के बीच एक दूसरे के सीधी रेखा में आना होगा। इस स्थिति में पृथ्वी द्वारा बनाए गए गहरे छाया क्षेत्र अंबरा में पृथ्वी के बाह्य वातावरण से परिवर्तित होने वाली प्रकाश की 7 रंग के किरणों में से सबसे ज़्यादा लाल रंग की किरण प्रवेश करती है। यही वजह है कि जब चंद्रमा अंबरा क्षेत्र से होकर गुजरती है तब रेड दिखाई देती है। इसे फुल रेड मून या ब्लड मून भी कहा जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाली चंद्रमा की इस प्रकार की घटना को टोटल लूनर एक्लिप्स या पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि चंद्रमा 27.5 दिन लगभग एक महीने में अपने अक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है, तो क्या हर महीने चंद्र ग्रहण होता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर चंद्रमा के साथ सूर्य का चक्कर लगाता है, तथा चंद्रमा का परिक्रमण अक्ष सूर्य के परिक्रमण अक्ष से कुछ झुका हुआ है। इस वजह से पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य का चक्कर लगाते हुए हर महीने एक सीधी रेखा में नहीं आ सकता, और चंद्र ग्रहण की घटना घटित होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि पृथ्वी की छाया अम्ब्रा और पेनम्ब्रा चंद्रमा पर पड़े। अतः हर महीने पृथ्वी की छाया अम्ब्रा और पेनम्ब्रा चंद्रमा पर नहीं पड़ता, इस वजह से हर महीने चंद्र ग्रहण नहीं होता। वैज्ञानिकों की माने तो सामान्य रूप से साल में 2 बार टोटल लूनर एक्लिप्स हो सकता है, और यह अधिकतम किसी साल में 3 से 4 बार हो सकता है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।